दोस्तों, क्या घर बैठे बोर हो रहे हो? चलो आज कुछ मजेदार करते हैं। चलो खड़े होते हैं और सब मिलके डांस करते हैं।
अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आपका स्वागत है क्राइस्ट एम्बेसी इन द चिल्ड्रन चर्च में। और आज का प्रेयर पॉइंट है 30 जनवरी। हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं और घोषणा करते हैं कि बहुत से लोगों, बड़े युवा और बच्चे सुसमाचार प्राप्त करेंगे और बच जाएंगे। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, अपने हाथों को स्वर्ग कर उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे। जिक्र बसा लल बारे बोश करे वो टका बक गाटी का वो सागर बा और आंदल दस केर पंडल बुंडल बा चंद लिका जिन तरीका कौन तरह बुशे हुजी करो बस लल बारे बोश करे वो टका बक गाटी का वो सागर बा वो जी हंद रे आला करे आंदल दस केर पंडल बुंडल बा चंद लिका जिन तरीका कौन तरह बुशे और ए बोश करे वो टका बक रोटी का वो सागर बा आंदल दस केर पंडल बुंडल बा चंद लिका जिन तरीका कौन तरह बुशे और ए बोश करे वो टका बक गाटी का वो सागर बा आंदल दस केर पंडल बुंडल बा चंद लिका जिन तरीका कौन तरह बुशे ओरे बोश करे बोटा का बग्राटी का बोश अगर अबर आंधले अस्किरा अंधलो अस्किरा पंडला ओरे बोटा का बरी के टेके बोगराटी का बोश अगर अबर आंधले अस्किरा पंडला ओ बुंडला बात चंदली का जिंदली बाबू तेरे बोश रे बोश का धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद जी केरो बोश अगर अबरे बोश करे बोटा का बग्राटी का बोश अगर अबर आंधले अस्किरा पंडला बुंडला बात चंदली का जिंदली बाबू तेरे बोश रे बोश करे बोटा का बग्राटी का बोश अगर अबा ओर आंध्रे अलग कर आंधले अस्किरा अंडला अस्किरा पंडला बुंडला बात चंदली का जिंदली बाबू तेरे बोश धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद यीशु धन्यवाद पवित्रात्मा धन्यवाद जिक्र पर सलाला बरे बोश करे बटा का बकरा टेका बोश अगर बाजी और धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद यीशु धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद। इन सारे प्रार्थना को प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमेन। धन्यवाद हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपको पता है साइन लैंग्वेज सीखने से क्या होता है? मैं बताता हूँ, ये आपको ध्यान देने में आपकी हेल्प करता है, जिससे आप चीजों को और अच्छे से याद रख पाओगे। ये आपके दिमाग को और तेज करता है और आप पढ़ाई में, खेलने में और अच्छे से फोकस कर पाओगे और आप छोटे बेबी से भी बात कर पाएंगे। है ना मजेदार ये? तो चलो सीखते हैं। और हमारे पेरेंट्स भी इन चीजों पे ध्यान दे सकते हैं। आज हम सांकेतिक भाषा में गाना सीखेंगे। हुरे! तो क्या शुरू करें? ओ मामा रास, ओ राने, मैं केवल तुझको देखूं, केवल तुझको मैं देखूं। ओ लाला रानी, ओ मेरे हर एक स्थिति में मैं अपना ध्यान केवल तुझ पे रखूं। रीन द आहाला रहीस, उरा मेरे साथ गा सकते हैं। केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं, जैसे तेरी मैं आराधना करूं, अपने आप को तुझको लूं, यही मैं रहना चाहूं, तेरी उपस्थिति में प्रभु। जिस तेरी मैं आवाज सुनूं, आत्मा और मन तू ताजा करे, आपको तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं, तेरी उपस्थिति में प्रभु। केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं, जैसे तेरी मैं आराधना करूं, ओ यीशु, जैसे तेरी मैं आराधना करूं, आपको तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं, तेरी उपस्थिति में प्रभु। जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, तेरी मैं आवाज सुनूं, तू आत्मा और मन ताजा करे, ताजा करे, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं, ये
स्थिति में प्रभु उकाब की तरह ऊंचा मैं उड़ता जाऊं जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए उकाब की तरह मैं ऊंचा और ऊंचा उड़ता जाऊं तेरे आत्मा के झोंके से तू नियंत्रण में है, तू नियंत्रण में है, सब चीजों के तू है, तू नियंत्रण में है, तू नियंत्रण में केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं, देखूं जैसे तेरी मैं आराधना करूं, जो कोई आप है उसकी आराधना अपने आप को तुझको, मैं अपने आप को तुझको और यही मैं रहना चाहूं, तेरी उपस्थिति में प्रभु, और जैसे तेरी मैं आवास जैसे तेरी मैं आवास सुनूं आत्मा और मन तू ताजा करे अपने आप को तुझको दूं यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु उकाब की तरह ऊंचा मैं उड़ता जाऊं जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए उकाब की तरह मैं ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उड़ता जाऊं जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए मैं उड़ता जाऊं जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए तू नियंत्रण में है हर चीज के नियंत्रण में सब चीजों के मेरे पैसों के मेरे काम के मेरे व्यवसाय के हर एक स्थिति के तू नियंत्रण में तू नियंत्रण में है यीशु तू है तू नियंत्रण में है ओरा महान तू सब चीजों के नियंत्रण में है हर चीज के नियंत्रण में हालेलुया अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आप सबका स्वागत है ये समय है रैप्सोडी का इट्स रैप्सोडी टाइम रियलिटी टाइम आज दिनांक रविवार 30 तारीख और आज का वचन है प्रकाश अगुवाई करता है हालेलुया वचन लिया गया है यशा इसका 60वां अध्याय और पहला वचन उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है हालेलुया यदि आप अपने हाथों में एक टॉर्च पकड़कर एक अंधेरे कमरे में गए तो आप टॉर्च चालू करेंगे ताकि जाने के लिए रास्ता दिखाई दे परमेश्वर की संतान के रूप में आप अपने विश्व के लिए प्रकाश है और आप दूसरों को सही मार्ग में चलाने के लिए बुलाए गए हैं इसलिए अपने बोलने के तरीके में पोशाक में और दूसरों के साथ बर्ताव करने के तरीके में एक उदाहरण के रूप में मैं नेतृत्व करो ऐसा एक जीवन जियो जो हमारे राज्य का योग्य उदाहरण है ताकि दूसरे इस पर चल सके याद रखो आप यहाँ पृथ्वी पर
परमेश्वर के राज्य के प्रतिनिधि है। कुलुसियो इसका तीसरा अध्याय और 17वां वचन। आज का वचन अध्ययन है 1 तिमोथियस उसका 4वां अध्याय और 12वां वचन। चलो हम अपने हाथों को उठाते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं और मेरे पीछे घोषणा को बोलते हैं। मैं अपने विश्व का प्रकाश हूँ और मैं अपने भले कामों के साथ अत्यधिक चमक रहा हूँ ताकि संपूर्ण विश्व देखे और यीशु के पास आए। हालेलुया, बाय बाय। बैठे बैठे बोर हो गए? चलो खड़े होते हैं और सब मिलके डांस करते हैं। Boo!
লর্ড হালেলুয়া কেনে আছে আপ কৰিছো যে আপুনি আশীর্বাদ প্রাপ্ত হৈ আছে আৰু এতিয়া আপুনি যতে উপস্থিত আছে আপোনাৰ ওচৰে পাজৰে থকা আপোনাৰ বাইদেউ ভণ্টি মাতৃ পিতৃ যোনে নাথাকক লাগিলে আপুনি তেওঁলোকক হাই ফাই দি কওক যে স্বাগতম জনাইছো আপোনাক। আৰু এই বছৰটো আমাৰ কি বছৰ হয়, এই বছৰটো হৈছে আমাৰ মেঘবোৰৰ এক গোট হোৱা বছৰ। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া। আৰু আপোনালোকে মোৰ পাছে পাছে ক'ব পাৰে যে এই বছৰটো হৈছে মেঘবোৰৰ এক গোট হোৱা বছৰ। আৰু এই জানুৱাৰী মাহটোত আমি বিশেষ এটা বিষয়বস্তুৰ ওপৰত কথোপকথন কৰি আছোঁ বা আলোচনা কৰি আছোঁ আৰু সেই বিষয়টো হৈছে সৃষ্টি। আৰু বিগত দুটা ৰবিবাৰে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে ঈশ্বৰে কেনেদৰে মাত্ৰ ছটা দিনতে সমগ্ৰ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সৃষ্টি কৰিছিল। যদি আপুনি জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ বিগত দুটা দেওবাৰৰ ভিডিঅ'জবোৰ নিশ্চয় চাব আৰু আপোনালোকে বুজি পাব তেতিয়া। হালেলুয়া, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। আৰু আজিও আমি সেই বিষয়ে কথা পাতিম, আমি সেই বিষয়ে আৰু গভীৰৰূপে আজি আলোচনা কৰিম। আজি আমি কি বিষয়ে আলোচনা কৰিম, পুনৰ সৃষ্টিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ঈশ্বৰে আমাৰ ভিতৰত এটা সৃষ্টি কৰাৰ যোগ্যতা আমাৰ ভিতৰত দিছে আৰু আমাৰ কল্পনা কৰা শক্তিয়ে হৈছে আমাৰ সেই যোগ্যতা। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, আমাৰ কল্পনাৰ শক্তিয়ে হৈছে আমাৰ ৰচনাত্মক যোগ্যতা। এতিয়া যদি মই আপোনাক কওঁ যে মোৰ ওচৰত আপেল নাই, যেতিয়া মই আপোনাক আপেল বুলি ক'লোঁ তেতিয়া আপোনাৰ মগজুত আপেলৰ এটা চিত্ৰ বা এটা ছবি আহি গ'ল। হালেলুয়া, আপুনি কেনেকৈ সেই আপেলটো আপুনি ছবিটো দেখিলে আপেলৰ, আপোনাৰ কল্পনাৰ শক্তিৰ যোগেদি। পৃথিৱীৰ সৃষ্টিত বা ঈশ্বৰে কৰা সৃষ্টিত কোনো প্ৰাণীয়ে মানুহৰ দৰে কল্পনা কৰিব নোৱাৰে, জানেনে আপোনালোকে এই কথাটো? কুকুৰ, মেকুৰী, গৰু, কোনো প্ৰাণীয়ে তেনেধৰণৰ কল্পনা কৰিব নোৱাৰে। ঈশ্বৰে আমাক এই বিশেষ আশীৰ্বাদটো দিছে, কল্পনা কৰাৰ এই বিশেষ আশীৰ্বাদটো ঈশ্বৰে আমাক দিছে। আদি পুস্তক এক অধ্যায় এক পদৰ পৰা আপুনি যেতিয়া পঢ়ি যাব তেতিয়া বাক্যত কৈছে ঈশ্বৰে যে ঈশ্বৰে প্ৰথমতে স্বৰ্গ আৰু পৃথিৱীৰ সৃষ্টি কৰিলে। আৰু বাক্যত কৈছে যে পৃথিৱী কেনেকুৱা আছিলে, পৃথিৱী নিজা নাছিলে, পৃথিৱীৰ কোনো ধৰণৰ আকাৰ নাছিলে, আৰু আন্ধাৰ আৰু পানীৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ আছিলে। তাৰ অৰ্থ হৈছে তাত একোৱেই নাছিলে, একে সম্পূৰ্ণৰূপে খালী আছিলে পৃথিৱী। আদি পুস্তক এক অধ্যায় এক পদৰ পৰা আপুনি যেতিয়া পঢ়ি যাব তেতিয়া বাক্যত কৈছে ঈশ্বৰে যে ঈশ্বৰে প্ৰথমতে স্বৰ্গ আৰু পৃথিৱীৰ সৃষ্টি কৰিলে। আৰু বাক্যত কৈছে যে পৃথিৱী কেনেকুৱা আছিলে, পৃথিৱী নিজা নাছিলে, পৃথিৱীৰ কোনো ধৰণৰ আকাৰ নাছিলে, আৰু আন্ধাৰ আৰু পানীৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ আছিলে। তাৰ অৰ্থ হৈছে তাত একোৱেই নাছিলে, একে সম্পূৰ্ণৰূপে খালী আছিলে পৃথিৱী। আৰু বাক্যই কয় যে ঈশ্বৰৰ আত্মাই সেই পানীখিনিৰ ওপৰত ঘূৰি আছিলে। আৰু যেতিয়া ঈশ্বৰৰ আত্মা তাত ঘূৰি আছিলে তেতিয়া তাত কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাছিলে। কিন্তু সেই সময়ত ঈশ্বৰৰ আত্মাই ঘূৰি ঘূৰি কি চাই আছিলে, চাই আছিলে যে পৃথিৱীটো কেনেৰূপে কৰিব লাগে বা কেনেকুৱা হ'ব লাগে, কি বস্তুৰ সৃষ্টি কৰিব লাগে, কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আনিব লাগে, সেই বিষয়ে ঈশ্বৰে ঘূৰি ঘূৰি চাই আছিলে। পৃথিৱীৰ যেতিয়া আপুনি বৰ্ণনা পঢ়িব তেতিয়া আপুনি গম পাব যে পৃথিৱী একেবাৰে নিজা, নিৰাকাৰ আৰু একো কাম নোহোৱা অন্ধকাৰেৰে পৰিপূৰ্ণ আছিল। কিন্তু ঈশ্বৰৰ আত্মাই ঘূৰি ঘূৰি তাত সেই সকলো কেনেধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আনিব লাগে, কি সৃষ্টি কৰিব লাগে, সেইখিনি চাই আছিল। কাৰণ ঈশ্বৰে জানিছিল যে পৃথিৱীক পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব আৰু পৃথিৱীক এটা আকাৰ দিব লাগিব বুলি। হালেলুয়া, আমি আকৌ পঢ়িলে আমি পাম যে ঈশ্বৰে সেই সময়ত তেতিয়া কৈছিলে যে ইয়াত পোহৰ হওক আৰু তেতিয়া তাত পোহৰ হৈ গ'ল। বাইবেলত আমি পাওঁ যোহন এক অধ্যায় তিনি পদত লিখা আছে, তেওঁৰ দ্বাৰাই সকলোৱে হ'ল আৰু যি যি হ'ল সেইবোৰৰ এটাও তেওঁৰ বিনে নহ'ল। আপোনাৰ জীৱনত এনে কোনো বস্তু আছেনে যিটো আপুনি পৰিৱৰ্তন কৰিব বিচাৰে? আপুনি সেই কথা ভাবি কন্দাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই।
আপুনি মাত্ৰ ঈশ্বৰৰ বাক্যক গ্ৰহণ কৰক। ঈশ্বৰে দিয়া কল্পনা শক্তিৰ যোগেদি আপুনি আপোনাৰ আপোনাৰ বিশ্বৰ আপুনি পুনৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰিব। হয়, এনেদৰেই হৈছিল যেতিয়া ঈশ্বৰে পৃথিৱীৰ সৃষ্টি কৰিছিল। হালেলুয়া! হয়, এয়াই সেই সিদ্ধান্ত আছিল যাৰ ঈশ্বৰে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। বাইবেলত মাৰ্কৰ 5:25-34 যদি আমি পঢ়োঁ, তেতিয়া তাত এটা কাহিনী আছে। এজনী মহিলাৰ কাহিনী, যিজনী মহিলাৰ তেজ বৈ যোৱাৰ এক বেমাৰ আছিলে আৰু তেওঁ একেবাৰে বেয়া এটা পৰিস্থিতিত আছিল আৰু বছৰ বছৰ ধৰি সেই মহিলাগৰাকী বেমাৰী অৱস্থাতেই আছিল। আৰু বাইবেলে আমাক কয় যে মহিলাগৰাকীৰ চিকিৎসাৰ বাবে বহুতো ধৰণৰ অৰ্থ ব্যয় কৰা হৈছিলে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ সুফল পোৱা হোৱা নাছিল। কিন্তু যেতিয়া তেওঁ যীশুখ্ৰীষ্টৰ বিষয়ে শুনিলে, তেওঁ নিজকে ক'লে, যদি মই যীশুখ্ৰীষ্টৰ কাপোৰ, অকল কাপোৰটোকে যদি মই স্পৰ্শ কৰিব পাৰোঁ বা চুব পাৰোঁ, তেতিয়া নিশ্চয় মই সুস্থ হ'ম। আৰু সেই তেতিয়াই তেওঁ নিজৰ মগজুতে কল্পনাৰ শক্তিৰ সহায়ত এটা বিশেষ ছবিৰ বৰ্ণনা বা ৰচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ সুস্থতা আৰু নিজৰ সুস্থতা গ্ৰহণ কৰাৰ এক প্ৰতিছবি নিজৰ মগজুতে অংকন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। হালেলুয়া! তেওঁ নিজৰ কল্পনা শক্তিৰে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে যে তেওঁ কি হৈ আছে, তেওঁ সুস্থ হৈ আছে। মহিলাগৰাকীয়ে জানিছিল যে তেওঁৰ স্থিতিত তেওঁ এটা পৰিৱৰ্তন বিচাৰে, কিবা এটা পৰিৱৰ্তন আনিব বিচাৰে তেওঁ। হালেলুয়া! প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড! আৰু মহিলাগৰাকীয়ে কি কৰিলে, মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ কল্পনা শক্তিৰ সহায়ত এটা বিশেষ চিত্ৰ অংকন কৰিলে নিজৰ মগজুতে। আৰু আমি এই কাহিনীত আমি চাবলৈ পাওঁ যে সেই মহিলাগৰাকীয়ে আগলৈ গৈ যীশুখ্ৰীষ্টৰ কাপোৰ, মাত্ৰ সেই দহি, যীশুখ্ৰীষ্টৰ দহিডোখৰতেহে, কাপোৰৰ দহিতহে চুই নিজে সুস্থতা পালে। মানুহজনীয়ে অৱশেষত সুস্থতা গ্ৰহণ কৰিলে। হালেলুয়া! প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড! আজি আপোনাৰ তেনে কোনো স্থিতি আছেনে? আছেনে এনে কোনো পৰিস্থিতি য'ত আপুনি সেই কথাখিনি বা সেই কোনোবা এটা বস্তু আপুনি পুনৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰে বা পৰিৱৰ্তন আনিব বিচাৰে? মই আপোনাক ক'লোৱেই যে আপুনি চিন্তা কৰাৰ বা আপুনি কান্দাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ ঈশ্বৰৰ বাক্য সদায় কাম কৰে। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড! আৰু আপুনি আপোনাৰ বিশ্বৰ বা আপোনাৰ জীৱনৰ পুনৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰিব। হালেলুয়া! প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড! আপুনি বিচৰা বা আপোনাৰ বাবে লাগতিয়াল সকলো ধৰণৰ যোগ্যতা ঈশ্বৰে আপোনাৰ ভিতৰত দিছে, কিন্তু প্ৰশ্ন হয় আপুনি কি বিচাৰে, আপুনি কেনেধৰণৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰে, আপোনাৰ কি ইচ্ছা আছে। হালেলুয়া! প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড! আপুনি আপোনাৰ জীৱনটোক কেনেধৰণে চাব বিচাৰে, আপুনি আপোনাৰ ভৱিষ্যতত কি চাব বিচাৰে, মই কোৱাৰ দৰে আপোনাৰ কি ইচ্ছা আছে, সেইটো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে সৃষ্টিৰ সময়ত পৰিস্থিতি একেবাৰে বেয়া আছিলে আৰু ঈশ্বৰে জানিছিলে যে ইয়াত পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰয়োজন বা কোন বস্তু কিহৰ প্ৰয়োজন, সকলোখিনি ঈশ্বৰে জানিছিল। আৰু আমি জানো যে ঈশ্বৰৰ আত্মাই কি কৰি আছিলে, ঈশ্বৰৰ আত্মাই ঘূৰি আছিলে। আৰু যেতিয়া ঈশ্বৰৰ আত্মাই ঘূৰি আছিলে, তেতিয়া ঈশ্বৰে দেখিলে যে পৃথিৱীত কি কৰিব লগা আছে বা কি ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা আছে। আৰু তেতিয়া ঈশ্বৰে কি কৰিলে, আৰু তেতিয়া ঈশ্বৰে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে। হালেলুয়া! আৰু সেই একে প্ৰকাৰে নিজৰ মনতে এটা কল্পনা শক্তিৰে চিত্ৰ বা ছবি অংকন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ক। ভাবক, চাওক, চিন্তা কৰক যে আপুনি কি বিষয়ে পৰিৱৰ্তন বিচাৰে আৰু সেই বিষয়বস্তুটো আপোনাৰ কল্পনা শক্তিৰ সহায়ত মগজুতে ছবি অংকন কৰক। মই যেনেদৰে ক'লোঁ যে আপেল, আপেল ইয়াত নাই, হ'লেও আপুনি আপোনাৰ কল্পনা শক্তিৰ সহায়ত আপেল দেখা পায় বা আপেলটো কেনেকুৱা সেইটো গম পায়। আপুনি প্ৰথমতে ভাবক, চিন্তা কৰক যে কোনটো বিষয়বস্তু আপুনি পৰিৱৰ্তন কৰিব বিচাৰে আৰু তাৰ পাছত সেই বিষয়বস্তুটোৰ চিত্ৰ বা ছবি নিজৰ মনতে অংকন কৰক আৰু তাৰ পাছতে সেই ছবিটো নিজৰ ভিতৰত সোমাই পৰিবলৈ দিয়ক আৰু তাৰ পাছত ক'বলৈ আৰম্ভ কৰক। ঈশ্বৰেও প্ৰথমে চালে, প্ৰথমে দেখিলে আৰু তাৰ পাছতে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে। প্ৰথমে ঈশ্বৰে দেখিলে যে
পোহৰৰ প্ৰয়োজন আৰু তেতিয়া ঈশ্বৰে ক'লে যে পোহৰ হওক আৰু তাতে পোহৰ হ'ল। ভাবকচোন পৃথিৱীখন কেনেকুৱা আছিলে, পৃথিৱীখন নিৰাকাৰ, কোনো ধৰণৰ আকাৰ নাছিলে, পানীৰে পৰিপূৰ্ণ, অন্ধকাৰেৰে পৰিপূৰ্ণ, কিন্তু ঈশ্বৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ সৃষ্টি কৰি দিলে আৰু আজি পৃথিৱী কেনেকুৱা, সেয়া আপুনি নাভাবিব যে এনে কোনো ধৰণৰ পৰিস্থিতি আছে যে যিটো পৰিৱৰ্তন হ'ব নোৱাৰে, প্ৰত্যেকটো পৰিস্থিতিয়ে পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। হালেলুয়া। এটা একেবাৰে স্পষ্ট চিত্ৰ অংকন কৰক, ছবি অংকন কৰক, যিটো একেবাৰে স্পষ্ট হ'ব লাগে। ঈশ্বৰে কি কৰিছিলে, ঈশ্বৰে সম্পূৰ্ণ স্পষ্ট ছবি অংকন কৰিছিলে, কাৰণ ঈশ্বৰে জানিছিলে যে তেওঁ কি কৰিব, কি বস্তু সৃষ্টি কৰিব, একেবাৰে স্পষ্ট আছিলে তেওঁৰ চিন্তা, তেওঁৰ কল্পনাত, আৰু সেয়া সকলোখিনি সৃষ্টি হ'ল। ঈশ্বৰে ৰাতি আৰু দিনক পৃথক কৰিলে, দিনৰ বাবে এটা ডাঙৰ নক্ষত্ৰ বনালে আৰু ৰাতিৰ বাবেও তাতকৈ অলপ সৰু নক্ষত্ৰ বনালে। হালেলুয়া। মাটি আৰু সাগৰক পৃথক কৰিলে। হালেলুয়া। ঈশ্বৰ একেবাৰে স্পষ্ট আছিল, ইমানেই স্পষ্ট আছিলে যে তেওঁ ক'ত কি হ'ব, যেনেকৈ আকাশত চৰাই হ'ব, সাগৰত মাছ হ'ব, সেই সকলোখিনি তেওঁ স্পষ্টৰূপে কল্পনা কৰিছিলে। মাটিত উদ্ভিদ, জন্তু, উদ্ভিদত ফল আৰু সেই একে জাতীয় উদ্ভিদৰ বীজসমূহে যাতে আৰু উদ্ভিদ উৎপন্ন কৰে, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ছবি অংকন কৰিলে আৰু একেবাৰে স্পষ্টৰূপে সকলোখিনি কৰিলে যাতে সকলোখিনি স্পষ্টৰূপে হয়, আৰু একেবাৰে ঈশ্বৰৰ যিটো চিত্ৰ আছিলে, যিটো চিত্ৰ অংকন কৰিছিলে, সেইটো একেবাৰে স্পষ্ট আছিলে। সেয়ে আপুনি যেতিয়া কোনোবা এটা পৰিস্থিতিক সলনি কৰিব বিচাৰে, তেতিয়া আপুনি একেবাৰে স্পষ্ট ছবি অংকন কৰক যে আপুনি কি বিচাৰে, স্পষ্টৰূপে আপুনি কল্পনা কৰক যে আপুনি কি বিচাৰে। যিৰূপে মহিলাগৰাকীয়ে ছবি অংকন কৰিছিলে বা কল্পনা কৰিছিলে যে তেওঁ কি হৈ আছে, তেওঁ সুস্থ হৈ আছে, মহিলাগৰাকীয়ে ভাবিছিল যে তেওঁ যীশুখ্ৰীষ্টৰ মাত্ৰ কাপোৰডোখৰ চুব আৰু তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হৈ পৰিব, আৰু সেই তেনেকৈ একেদৰে তেওঁ যীশুখ্ৰীষ্টৰ কাপোৰ চুলত একেবাৰে সেই মহিলাগৰাকী সুস্থ হৈ পৰিল। আপুনি সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰাকৈ কোনো ধৰণৰ সপোনেই ডাঙৰ নহয় বা অসম্ভৱ নহয়, প্ৰত্যেকটো সপোনেই সম্ভৱ। এনে কোনো ধৰণৰ পৰিস্থিতি নাই যিটো আপুনি সলনি কৰিব নোৱাৰে, সকলোখিনি সম্ভৱ। কওক যে সকলোখিনি সম্ভৱ। হালেলুয়া, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। যেনেৰূপে ঈশ্বৰে চালে কোৱাৰ লগে লগে বস্তুখিনি সৃষ্টি হৈ গ'ল, সেই একেদৰে আপোনাৰ কল্পনা শক্তিৰ জৰিয়তে বস্তুখিনিক চাব লাগিব। আপুনি কি বিচাৰে সেইখিনি আপুনি কল্পনা কৰিব লাগিব, আৰু সেই পৰিস্থিতিত আপুনি কি পৰিৱৰ্তন বিচাৰে সেইখিনি আপুনি ভাবিব লাগিব স্পষ্টৰূপে। আপুনি আপোনাৰ ভৱিষ্যতত কি চাব বিচাৰে, কি সলনি বিচাৰে, কেনেকুৱা হোৱাটো বিচাৰে, এটি ছবি আপুনি অংকন কৰিব। তাৰে আপোনাৰ কল্পনাত, আপোনাৰ কল্পনাতে এটা ছবি, এটা ইমেজ আপুনি বনাব, আৰু সেই ছবিটো আপোনাৰ অন্তৰত, আপোনাৰ মনৰ ভিতৰত সোমাই যাবলৈ দিব, আৰু তাৰ পাছত ঈশ্বৰৰ বাক্য গ্ৰহণ কৰি, ঈশ্বৰৰ বাক্যক লৈ আপুনি ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিব, যেনেদৰে ঈশ্বৰে কৈছিল, ঈশ্বৰেও কৈছিল যে পোহৰ হওক, আৰু তাতে পোহৰ হৈ গ'ল। প্ৰতিটো বস্তুৱে ঈশ্বৰে ক'লে, সেয়ে আপুনি মনে মনে থাকিব নোৱাৰে, আপুনি চিন্তা কৰিব নোৱাৰে, বা আপুনি কান্দিব নোৱাৰে বা দুখ কৰিব নোৱাৰে। আপুনি কি কৰাৰ প্ৰয়োজন, আপুনি সেই কল্পনা শক্তিৰে সেই বস্তুখিনি, যিখিনি আপুনি পৰিৱৰ্তন বিচাৰে, তাৰে এটি চিত্ৰ অংকন কৰিব লাগিব। সেই চিত্ৰৰে নিজৰ মগজুক ভৰাই দিয়ক, বা সেই চিত্ৰটো যাতে আপোনাৰ মনত, মগজুত সোমাই পৰে, তেনেৰূপে আপুনি সেই কল্পনা শক্তিৰে সেই চিত্ৰটো ভাবক, আৰু কি কৰিব, আপুনি ক'বলৈ আৰম্ভ কৰক। হয়, পবিত্ৰ আত্মাই আপোনাক সহায় কৰিব, আৰু সোনকালেই আপুনি সেই বস্তুখিনি, যিখিনি পৰিৱৰ্তন আপুনি বিচাৰে, সেইখিনি আপোনাৰ জীৱনত ঘটিত হোৱা আপুনি অনুভৱ কৰিব বা দেখিব। মই ক'লোৱেই যে এনে কোনো পৰিস্থিতি নাই বা এনে কোনো ধৰণৰ সপোন নাই যিটো সলনি হ'ব নোৱাৰে বা সপোন পূৰণ হ'ব নোৱাৰে। প্ৰতিটো সপোন, প্ৰতিটো সপোন পূৰণ হ'ব, প্ৰতিটো পৰিস্থিতি সলনি হ'ব। সেয়ে আপোনাৰ সপোন আপুনি চাওক, আপুনি পূৰণ কৰিবলৈ চাওক, কাৰণ সেয়া সম্ভৱ, সেই সপোন পূৰণ হ'ব।
ঈশ্বৰত সকলোখিনি সম্ভৱ। হালেলুয়া হালেলুয়া প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। মই বিশ্বাস কৰিছোঁ যে আপোনালোক সকলোৱে উৎসাহিত হৈছে আৰু মই যেনেদৰে ক'লো কি বস্তু আছে যি আপুনি সলনি কৰিব পাৰে, এনে কি পৰিস্থিতি আছে যি আপুনি সলনি কৰিব পাৰে। হ'ব পাৰে আপোনাৰ ঘৰৰ পৰিস্থিতি, আপোনাৰ নগৰ, আপোনাৰ চহৰ, আপোনাৰ দেশ, গোটেই বিশ্ব, যিকোনো কথা হ'ব পাৰে। মনত থ'ব কি কৰিব লাগে, ছবি আঁকিব লাগে, মনতে ছবি এটা আঁকিব লাগে কল্পনা শক্তিৰ সহায়ত। আপুনি যি বিষয়ে পৰিৱৰ্তন বিচাৰে সেই বিষয়ে আপুনি কল্পনা শক্তিৰ সহায়ত ছবি আঁকিব লাগিব আৰু সেই তাৰ পাছতে আপুনি কি কৰিব লাগিব, ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিব লাগিব। হালেলুয়া প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। মনত থ'ব আপোনাৰ কল্পনা শক্তিয়ে কি হয়, আপোনাৰ কল্পনা শক্তিয়েই আপোনাৰ ৰচনাত্মক যোগ্যতা হয় আৰু এয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ আশীৰ্বাদ হয় যিটো ঈশ্বৰে আমাক দিছে। হালেলুয়া প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। মই বিশ্বাস কৰিছোঁ যে আজিৰ পৰাই আপোনালোকে প্ৰস্তুত হৈছে আপোনাৰ জীৱনক সলনি কৰিবলৈ। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। মই সদায় কওঁ আৰু আজিও কৈছোঁ যে আপুনি আপোনাৰ লগৰ সমনীয়াক ক'ব যে ঈশ্বৰে আমাক কি উপহাৰ দিছে আৰু সেই উপহাৰৰ যোগেদি আমি কেনেদৰে আমাৰ পৰিস্থিতিক সলনি কৰিব পাৰোঁ। হালেলুয়া প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। আৰু এই লিংকটো আপুনি আপোনাৰ লগৰ সমনীয়াৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আগলৈ আমি বহুখিনি কথা শিকিম, সেয়েহে সুনিশ্চিত কৰক যাতে আগন্তুক ৰবিবাৰেও আপুনি আমাৰে সৈতে থাকিব। তেতিয়ালৈকে বাই বাই, গড ব্লেছ। हमने बहुत कुछ सीखा और अब ये टाइम है घोषणा का। हेलो दोस्तों, ये घोषणा का समय है हिंदी में। अपने हाथों को उठाकर मेरे पीछे बोल सकते हैं, आपके वचन से सीखने के अवसर के लिए प्रभु का धन्यवाद। मेरा हृदय आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा मेरा मार्गदर्शन करता है और मैं पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन अनुसार चलता हूँ। मैं वह सब करूँगा जो परमेश्वर ने मुझे करने के लिए बुलाया है। मैं एक चैंपियन हूँ। मैं परमेश्वर के वचन का करता हूँ। मैं परिणाम उत्पन्न करता हूँ। मैं अपने दुनिया को समाचारी सुनाता हूँ और उनकी आत्माओं को बचाता हूँ। मैं मसीह का राजदूत हूँ। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। अगर आप में से कोई भी ऐसे हैं जो हमारे प्रोग्राम को पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक यीशु को अपना प्रभु नहीं बनाया है, आप मेरे साथ इस प्रार्थना को बोल सकते हैं। अपने हाथों को उठाकर, आंखों को बंद कर अपने हृदय से विश्वास करके मेरे साथ इस प्रार्थना को बोलिएगा। मेरे साथ कह सकते हैं, प्यारे पिता, मैं अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि वो मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरे और पिता ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जिलाया। आज वह जीवित है। मैं यीशु को बुलाता हूँ अपने जीवन का प्रभु और स्वामी होने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, मैं बच गया हूँ, मेरा उद्धार हो गया है। मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण करता हूँ। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूँ। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आपने ये प्रार्थना मेरे साथ की है तो परमेश्वर के इस महान परिवार में आपका स्वागत है और इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ हर उस व्यक्ति के लिए जिसने अपना जीवन आपको दिया है। धन्यवाद प्रभु, मैं कहती हूँ अंधकार और शैतान का इनके जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं, यीशु के नाम को बोलती हूँ। मैं कहती हूँ सुरक्षित है प्रभु, ये आशीषित है प्रभु। मैं आशीष देती हूँ आपकी आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा, आपके अनुग्रह कृपा के द्वारा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, ये सुरक्षित है। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तो इस समय अगर आपने पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं किया तो हम प्रार्थना करेंगे
और मेरे पीछे इस प्रार्थना को आप कह सकते हैं और पवित्र आत्मा को ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही साथ हम अन्य भाषा के लिए भी प्रार्थना करेंगे। याद रखिए, अन्य भाषा, हर मसीह अन्य भाषा में बोल सकता है और ये एक उपहार है परमेश्वर की ओर से। जिस तरह से पवित्र आत्मा उपहार है, उसी तरह से अन्य भाषा भी क्या है, पवित्र आत्मा में शब्द देता है। हालेलुया। तो जब हम प्रार्थना करेंगे आखिर में अन्य भाषा के लिए, तो जो भी शब्द आपके मुंह में आ रहा है उसे बोलिएगा। हालेलुया। तो तैयार है आप सब? तो मेरे साथ इस प्रार्थना को आप बोल सकते हैं, हाथों को उठाकर, आंखों को बंद कर मेरे पीछे बोलेगा। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पवित्र आत्मा के उपहार के लिए। पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करती हूँ, धन्यवाद मेरे जीवन में आने के लिए, हमेशा मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे वचन सिखाने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा अन्य भाषा के अभिषेक को मेरे अंदर रखने के लिए। धन्यवाद मुझे शब्द देने के लिए। लीबो साक की अबो को आंकते अलबो आसी अलबो आंते बाबा रूबा बाबा बाकी को सो तलब एबो सी तलब आहांते बोस्की be filled with the Holy Ghost zika ma ake o tale ante abasu ante o shata ya bo sita la bo anta ki bo us dhanyavad pavitra inko shabd dene ke liye ko sata pe ko onkat e pa hi pa ho seta o shata la go ta pe ka ta la ba anta bo ki ka ta so ta ya ba 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 agar aapke muh mein koi bhi shabd aa raha hai to usko boliye li bo bo sata ba 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 ki bo sata ba 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 o ga ba ki bo ska ta la bo ta ya ba 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 ki bo sata la bo anta e bo sita ba 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 o dhanyavad dhanyavad parmeshwar prarthna ko parmeshwar masi ke naam mein mangte hain amen hallelujah praise the lord। अगर आपने मेरे साथ ये प्रार्थना की, विश्वास कीजिए कि आपने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है, अन्य भाषा के अभिषेक को आपने ग्रहण किया है। आपको सिर्फ इतना करना है, अपने हाथों को उठाइए, आंखों को बंद कीजिए और परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए जो भी आपके मुंह में शब्द आता है उसको बोलिए और धीरे धीरे करके क्या होगा, ये शब्द बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है कि आज जैसे हमने सीखा कि पवित्र आत्मा हमारा कौन है, ट्रू गाइड, तो आज से, अभी से, इसी क्षण से उसके साथ चलना शुरू कीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अगले रविवार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये समय है भेंट का। अगर आप हमें सेंटर से देख रहे हैं तो आप अपने भेंट सेंटर में दे सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन घर से देख रहे हैं तो डिटेल स्क्रीन के ऊपर है, अपने मम्मी पापा से बात कर बैंक ट्रांसफर के द्वारा आप अपने भेंट दे सकते हैं। हालेलुया। आइए हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। ओ शाता या रब, ओ साखल दो उन तेरा बल्कि अब उसका रब तेरा लब आहान तेरा बाबा। परमेश्वर बाप का धन्यवाद देते इस भेंट को लाने का अनुकूल अवसर के लिए। भेंट आपकी आत्मा के तरफ पवित्र और आपको ग्रहण होने के योग्य है। परमेश्वर बाप का धन्यवाद करते कि जैसे ही हमने दिया है उसकी एक बड़ी हुई फसल तेजी से हमारे पास आ रहा है यीशु मसीह के नाम। हमारे जीवन में कोई कमी कोई घटी नहीं है प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। लोग नाप कर दबा कर उभर तो हमारे गोदों में डाल रहे यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद देते परमेश्वर। हम इन भेंटों के ऊपर आपके आशीष के आवाहन को कहते हैं कि भेंट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राज्य की हर एक जरूरतों को तेजी के साथ पूरा करते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर। ये सारी प्रार्थना प्रभु मसीह के नाम मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है चंगाई का। अगर आप में से कोई भी ऐसे जिनकी तबीयत ठीक नहीं, आप बीमार हैं, तो ये समय है कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और विश्वास कीजिए कि परमेश्वर ने हमें स्वास्थ्य दिया है, दिव्य स्वास्थ्य, अपना जीवन हमें दिया है और हम हमेशा स्वास्थ्य में चल सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए। हालेलुया। तो इस समय जहां पर भी आपको परेशानी, एक हाथ वहां पर रख सकते हैं, एक हाथ स्क्रीन की ओर बढ़ाकर हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। वो शतला महान तलब रो बाबा बकी वो सात तलबो की बदो सत्य बा अंत एक दोस की अल सात एक ओ कल ईत आसो करम। परमेश्वर बाप को धन्यवाद देते
आप प्रभु जो भी इस प्रोग्राम को देखा प्रभु में से कोई भी बीमार है प्रभु हम तेरे प्रार्थना करते हैं अब अंधकार और शैतान के हाथ को की छीन ऊपर से काट दे धन्यवाद प्रभु हर दर्द को जाते कम ऑन एवरी सिकनेस एवरी इनफॉर्मिटी एवरी पेन टू लीव इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया धन्यवाद तेरे प्रभु ही वो शॉट आया वो उसका लबुक है या द एंकल ऑफ उसका ओ धन्यवाद परमेश्वर सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक ईश्वर अंदर में आपका जीवन आपका सामर्थ्य काम कर रहे हैं हाँ प्रभु शर हम तेरा शरीर का हर एक अंग सही से काम कर रहे हैं धन्यवाद ओ हालेलुया हाँ दैवीय स्वास्थ्य कर प्रभु जैसे हम प्रार्थना करें प्रभु आपका सामर्थ्य वहां पर काम करें ओ धन्यवाद धन्यवाद हाँ हेल्थ इज रिस्टोर्ड इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की तो मुझे विश्वास है कि आपने अपनी चंगाई को ग्रहण किया है हमारा डिटेल स्क्रीन के ऊपर है हमें कॉल या मैसेज के द्वारा जरूर बताएं परमेश्वर ने आपके साथ क्या किया थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मुझे विश्वास है कि आप सबको बहुत बहुत मजा आया है आज के इस प्रोग्राम को देखकर तो जैसे ही मैंने आज आपको बताया कि इस नए वर्ष में हमें पवित्र आत्मा के साथ चलना है पवित्र आत्मा हमारा सहायक है हमारा मार्गदर्शक है हालेलुया और ये बात अपने दोस्तों को भी जरूर बताइएगा हमारा ये जो प्रोग्राम का लिंक है अपने परिवार के साथ दोबारा देखिए अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करें हालेलुया आए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें इस नए वर्ष के लिए उस सब कुछ जो हमने आज सीखा है आए धन्यवाद दें परमेश्वर के प्रेम के लिए दया के लिए कृपा के लिए भलाई के लिए हालेलुया तो जहां कहीं पर भी आप है अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं हाथों को स्वर की ओर उठाकर आंखों को बंद कर परमेश्वर का धन्यवाद धन्यवाद देते परमेश्वर आप राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु परमेश्वर धन्यवाद आपके प्रेम आपकी दया आपकी कृपा आपके वचनों के आपकी आत्मा के लिए प्रभु धन्यवाद देते हर एक जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं मैं कितनी आशीषित करूँ और एक आशीष है हाँ अंधकार और शैतान को भी जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं यीशु के नाम को बोलती हूँ हाँ प्रभु अपने जीवन के द्वारा आपके ज्ञान की सुगंध को हर जगह फैला रहे हैं ये सुरक्षित है प्रभु स्वास्थ्य का है सारी चीजें मिलकर इनके लिए भलाई को उत्पन्न करें आपकी बुद्धि समझ की आत्मा इनके अंदर महान रूप से कार्य करें तो मैं आपको धन्यवाद धन हर एक काम की सर्वश्रेष्ठता के साथ करने पाते हैं धन पाते और इस सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमेन आखिर की प्रार्थना मेरे साथ कर सकते हैं परम पिता का प्रेम यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम में आमेन निश्चय ही भलाई और करुणा सदा के लिए मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती रहूंगी यीशु मसीह के नाम में आमेन अगले रविवार को हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाय एंड गॉड ब्लेस यू मुझे पता है आपको बहुत मजा आया और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना बाय बाय Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment, and share. Thank you, and God bless you.